वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपको कुछ एडिट करना रह गया है, कुछ छूट गया है, कुछ ब्लर करना है, कुछ एडिट करना है आपको, तो हम अपलोड करने के बाद एडिट कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। सो ये देखिए मेरा एक चैनल है, यहाँ पे एक फ्रेंड का चैनल है, और चलिए उसमें चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो नीचे कंटेंट का ऑप्शन है ना, लेफ्ट साइड जहाँ पे एरो लग रहा है, ये कंटेंट पे आपको जाना है, क्योंकि उसी में आपके यहाँ पे वीडियोस वगैरह शो करेंगे। तो जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं, मैंने उसे अभी प्राइवेट पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एडिटर लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। उस वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिटर लिखा हुआ है, उस एडिटर पे जाके आपको क्लिक करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा यहाँ पे। उस एडिटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो इस तरह का कुछ ओपन होगा, यहाँ पे लिखा होगा गेट स्टार्टेड नीचे, ठीक है। इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप म्यूजिक डाल सकते हैं, किसी पार्ट को अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ये वाला म्यूजिक ऑप्शन है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे म्यूजिक का, यहाँ पे देखिए यूट्यूब जो ऑडियो लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आप डालना चाहते हैं तो उसे प्ले करके यहाँ पे सुन भी सकते हैं, और इसका लाइसेंस देखिए यहाँ पे ये फ्री है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन जो आपने लिखा हुआ है बीच में, उसे आप क्लिक करेंगे और सीधे सीधे आपका ऐड हो जाएगा वो वाला म्यूज़िक, ठीक है, अगर आप म्यूज़िक चेंज करना चाहते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर कॉपीराइट म्यूज़िक के लिए आते हैं तो म्यूज़िक का बहुत प्रॉब्लम होता है। नीचे का ये जो ऑप्शन है ये देखिए, ये है ब्लर का ऑप्शन, ठीक है, पहले वाला ऑडियो था उसके बाद ब्लर का ऑप्शन। मान लीजिए कोई ट्यूटोरियल बनाया आपने और ईमेल आईडी वगैरह आपका शो कर रहा है तो उसे ब्लर करना है तो कैसे करेंगे, किसी का फेस अगर नहीं दिखाना चाहते आप, फेस ब्लर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस ब्लर या फिर कस्टम ब्लर, ठीक है ना, तो फेस को वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वो ब्लर कर देगा, और कस्टम ब्लर करेंगे तो कोई भी पार्ट को आप ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रिम करना चाहें, जैसे कि मैं अभी ट्रिम करना चाहता हूँ, ये देखिए लास्ट का कुछ पार्ट है इसे मैं ट्रिम करना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे ट्रिम का ऑप्शन जो था उस पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से ड्रैग करके आप जो भी पार्ट आप डिलीट करना चाहते हैं, जो भी पार्ट आप ट्रिम करना चाहते हैं, उसे इस तरह से यहाँ पे पकड़ के सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर इस वाले पार्ट को आप प्रीव्यू करके देखेंगे कि हमारा सही से वो वर्क कर रहा है कि नहीं, एंड कहाँ हो रहा है वो देख लेंगे, अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसे और भी यहाँ पे ड्रैग करके ले आएंगे, और जितना आप कट करना चाहते हैं उतना कट करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस यहाँ पे ऑप्शन आएगा और ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद फिर से सेव पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोसेसिंग होगा अभी, ठीक है, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं जैसा प्रोसेसिंग हो रहा था वैसे ये प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा, एंड SD एंड HD वर्जन उसका जो है वो प्रोसेसिंग होगा, और फिर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनेट जितना फास्ट होगा आपका उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है, वो चेकिंग भी फिर से करेगा YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए वो सही है नहीं, एड्स फ्रेंडली है या नहीं वो भी चेक करेगा, फिर आप यहाँ पे उसे पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं अपलोड करने के बाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो अगर आपके काम आया हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आजकल कुछ व्यूज ठीक से आ नहीं रहे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।